आप पहला आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने क्या किया कि विवाह के उत्सव में वहां पर दाखरस घट गया और मटकों में उन्होंने पानी भरवाया दासों से और उस वो पानी जो है वो बन गया दाखरस। और तब मरियम ने क्या कहा, माता मरियम ने, जो कुछ वो कहता है वो करो, जो कुछ वो कहता है वो करो। क्या चीज कहता है वो? यही वचन तो कहता है, वो यही वचन कह रहा है। जो कुछ हम कई बार देखेंगे प्रियो, जो कुछ वो कहे तुम करो, तुम नहीं करते। आदम हवा ने तो कहा था परमेश्वर ने कि इस फल को ना छूना, उन्हें नहीं आज्ञा मानी और उस फल को खा लिया। ऐसे कितने उदाहरण प्रियो हमको अपने जीवन में मिलेगा। समसून को कहा गया था कि तेरे बाल में ताकत है, ये किसी को मत बताना, पर उसने बता दिया अपने प्यार में पागल होकर के उस स्त्री से। और उसके बाद दुख पाया, बाल काटे गए, उसकी हंसी उड़ाई गई, उसके आंखों को फोड़ दिया गया। और तब धीरे धीरे उसके बाल उगने लगे, धीरे धीरे बाल उगने लगे, और वो माफी मांगता और कहता, प्रभु मैंने गलत काम किया है प्रभु, और जो थोड़ा भी है वो अब ही लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं सेलिब्रेशन प्लेस पर, और मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, मुझे बांध दिया जाएगा किसी उस बिल्डिंग के खंभे के ऊपर, तू मुझे ताकत से भर दे ताकि उस खंभे को हिला करके मैं और इस पूरी ऑडियंस नाश हो जाए, यही मेरी आत्मिक सेवा होगी। और वही हुआ प्रियो, जैसे उसने कहना नहीं माना। हम यहाँ नए नियम में माता मरियम उसको कहती है कि जो कुछ वो कहे वो करना। और हम इन लोगों को देखते हैं कि पुराने समय में भी ऐसे ही पाप होते गए, जो जिस किसी के लिए मना किया गया वो वैसा ही करते गए। हम देखते हैं प्रियो, यू लूत की पत्नी को भी कहा गया, स्वर्गदूत उनके साथ जा रहे थे, पीछे पलट के मत देखना। पर स्त्रियां तो बड़ी लालची और लोभी और थोड़ी सी वैसी होती हैं, है ना, कि हमारे में सोना है तो गले का हार है तो ये कितना सामान मैंने खरीदा था, साड़ियां खरीदी थी, अब क्या होगा उनका। पलट के देख ली और वो नमक का खंभा बन गई। जब मैं इसराइल गई थी तो वहाँ देखी कि ये लूत स्त्री जो पलट के देख गई थी वो वहाँ पर खंभा बनी हुई है। तो मैं ऐसे जब जीप से चाट करके उसको देखी तो देखी नमक था उसमें। तो प्रियो कैसा हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, जैसा वो कहता है वैसा करना। योना नबी को आप देख लीजिए, कहाँ जाने बोला गया था उसको, नीनवे को, निन्वे में पाप भर गया था और वो इनकार करने लगे कि इतने दुष्ट लोगों के बीच में मुझे परमेश्वर क्यों भेज रहा है। वो कोशिश करता रहा और वो तर्सिस के जहाज में बैठ जाता है और तर्सिस का जहाज डूबने लग जाता है और वो समझ जाता है ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, मैंने अनाज्ञाकारिता की है। लोगों के जो अन्य जाति लोग बोलते किसके कारण ऐसा हो रहा है, आंधी ऐसी कैसी आ गई, नाव डूबने को है, तब वो कहता वो मैं हूं, मेरे को परमेश्वर निन्वे का कहा था, तुम मुझे फेंक दो। और उन लोगों ने उसे समुद्र में फेंक दिया और बड़ी सी मछली आई और परमेश्वर की योजना देखिए अपने दास को बचाने की, वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, मछली ने उस बड़ी मछली ने निगल लिया। उस 3 दिन का सफर कैसा रहा होगा। यीशु मसीह मरे और 3रे दिन जी उठे। आज जो मैं गवाही अपना आप लोगों को कुछ संदेश दे रही हूँ, 3 दिन बाद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे हम लोग। ये सब 3 दिन देखिए कैसे आ गया, 3 दिन बाद अपना 25 दिसंबर आने वाला है, 3 दिन बाद यीशु मसीह मृत से जी उठे। और उसके बाद हम देखते हैं कि योना नबी 3 दिन तक मछली के पेट में रहा, फिर बाहर निकल के निन्वे को गया और निन्वे में एक ही बार प्रचार किया, 2 बार 3 बार नहीं, 1 बार सारे लोग रोते रहे अपने पापों को मान लिए, वहां उद्धार आ गया। किस प्रकार यीशु की माता ने कहा था जो कुछ वो कहे उसे करना, और नहीं करने वालों की
दुर्दशा। इस प्रकार हम पुराने समय में भी देखते हैं, मूसा को देखिए कितने नम्र व्यक्ति और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले थे, परंतु एक गलती के कारण वो कनान देश ना जा पाए। परमेश्वर ने उन्हें पहाड़ के ऊपर ले गया और वहां से दिखाया, देख मूसा वो कनान देश है जिसे मैं तेरे वंश को मैं दूंगा, तेरे लोगों को दूंगा, इसराइली लोगों को दूंगा। एक गलती उनने कहा था, जब इसराइलियों के पास पानी नहीं था तब वो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग गए थे प्रियो, और तब वो यीशु से, परमेश्वर से और होली स्पिरिट, ये तीन है एक साथ, वो व्यक्ति एक ही है, उनसे कहने लगे कि क्या करें प्रभु, क्या करें, पानी नहीं है। उन्होंने कहा उस चट्टान से तू कह दे, पानी निकल आएगा। सिर्फ कहना था, पर उनने क्या कर लिया, गुस्से के मारे, गुस्सा कितनी बड़ी चीज है, गुस्से के मारे चट्टान को दे मारा और ढेर सारे पानी निकल गए। प्रियो,